हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। तो जैसा कि अभी हम लोग पिछले पार्ट में स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिफरेंट को पढ़ लिए थे, फिर इसके पश्चात अब जो हम लोगों का दूसरा टॉपिक है वह है कृत्रिम परागण। तो आइए हम लोग कृत्रिम परागण को समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूँ कृत्रिम होता क्या है। कृत्रिम वह प्रक्रिया जो बाय ह्यूमन मानव के द्वारा होती है। जैसे कि अगर आपको कहीं पर भी कृत्रिम मिल जाए तो आप लोग यह जान जाइएगा यह जो क्रिया हुआ है यह मानव निर्मित है। कृत्रिम बाय ह्यूमन यह चाहे जिस स्थान पर हो आप लोग जान जाइएगा कृत्रिम मतलब बाय ह्यूमन मानव के ही द्वारा। तो कृत्रिम परागण, आइए अब हम लोग कृत्रिम परागण के बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम परागण वह परागण होता है जिसमें माध्यम का कार्य कोई मनुष्य करे। वह कृत्रिम परागण एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है जिसमें व्यक्ति अपेक्षित लाभ के लिए कृत्रिम परागण को कराता है। फिर से एक बार, कृत्रिम परागण वह परागण होता है जिसमें माध्यम का कार्य मनुष्य करे। वह एक उद्देश्य के लिए कृत्रिम परागण करे तो उसे हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण वह परागण होता है जिसमें माध्यम का कार्य मनुष्य करे तो उसे हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। वह विशेष उद्देश्य क्या होता है? अपेक्षित लाभ। कृत्रिम परागण विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कृत्रिम परागण एक अपेक्षित लाभ के लिए किया जाता है। आइए हम लोग लिखते हैं कृत्रिम परागण वह क्रिया होता है जिसमें माध्यम का कार्य जिसमें माध्यम का कार्य मनुष्य करे तो उसे हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण अपेक्षित लाभ के लिए किया जाता है। अपेक्षित लाभ के लिए किया जाता है। गाइस, जो हम लोगों का कृत्रिम परागण है, कृत्रिम परागण वह क्रिया होता है जिसमें माध्यम का कार्य मनुष्य करे, वह उसे हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण अपेक्षित लाभ के लिए किया जाता है। आगे कृत्रिम परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास स्वपरागण था, परपरागण था तथा उसके कई प्रकार के भाग थे, तो हमें कृत्रिम परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी? गाइस, हम आपको बता दें, कृत्रिम परागण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हमारे भारत में जो खाद्यान्न प्रॉब्लम थी, जो फूड प्रॉब्लम था, आज वह खत्म हो गया है। कृत्रिम परागण के द्वारा नई नई हाइब्रिड बीजों का निर्माण किया जा रहा है जिसके द्वारा जहाँ पर भोजन की कमी थी अब वहाँ पर पूरी हो रही है। ऐसे ही देख लीजिए, आज आज आप
इस समय में धानों के पता नहीं कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, वह सब हाइब्रिड हैं, उसका निर्माण कृत्रिम परागण के द्वारा ही हुआ है, जिसकी बुआई करने पर हम लोगों का ज़्यादा उत्पाद होता है, जिससे हम लोगों को आर्थिक रूप से ज़्यादा लाभ होता है, इसलिए कृत्रिम परागण को अपनाया गया। कृत्रिम परागण के द्वारा एक पौधे का नाम है पोटैटो टोमैटो। गाइस, यह पौधा जो है यह कृत्रिम परागण के द्वारा ही निर्मित किया गया है। पोटैटो टोमैटो पौधा कृत्रिम परागण के द्वारा ही किया गया है। इसमें जो पौधा होता है, इसमें नीचे की तरफ आलू व ऊपर की तरफ टमाटर उगते हैं। एक ही पौधे में दो बीज कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? यह केवल संभव हुआ है तो केवल कृत्रिम परागण के द्वारा। कृत्रिम परागण हम लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाता है। कृत्रिम परागण के द्वारा ही आज हमारे पास इतनी सारी हाइब्रिडेड जातियाँ हैं। अब इसी को ही देख लीजिए, अब इसमें नीचे जो रहेगा आलू रहेगा, ऊपर टमाटर रहेगा, कम जगह में ज़्यादा उत्पाद व आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद, तो इसलिए कृत्रिम परागण का उपयोग किया गया। इसका पुष्पों में क्यों किया गया? क्योंकि पुष्पों में भी कई प्रकार के आज हाइब्रिडेज पुष्प मिल रहे हैं, जैसे लाल गुलाब, काला गुलाब, पीला गुलाब, सफ़ेद गुलाब, ये सब एक ही गुलाब का दूसरे गुलाब से संकरण करा कर उसकी बहुत सारी प्रकार के हाइब्रिडेज जातियाँ निकाल दिया गया है, तो इसलिए कृत्रिम परागण के द्वारा हम लोगों को लाभ ही लाभ हुआ है। तो आइए अब हम लोग पुष्पों में कृत्रिम परागण पढ़ते हैं। इसकी विधि, जैसे पहले इसका विधि हम लोग लिख लें, इसका विधि, जैसे पहले आइए हम लोग दो पुष्प बनाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। वर्तिकाग्र इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल। वर्तिका इसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ओवरी और यह हो गया हम लोगों का पुष्पासन। और इसी से सटा हुआ है हम लोगों का पराग कोष, जिसे हम लोग बोलते हैं एंथर। पराग कोष पराग कोष फिर इसके पश्चात एक ये है पुष्प का अनुप्रस्थ काट ए, और हम लोग एक ले लेते हैं पुष्प का अनुप्रस्थ काट बी। गाइस, यह है हम लोगों का परागकोष यहाँ पर। इसी में हम लोगों का पॉलन ग्रेन होता है। तो यह सब एक ही है, यह है पुष्पासन, यह है ओवरी, यह है स्टाइल, यह है वर्तिकाग्र। तो गाइस, एक हम लोगों का यहाँ पे एक पुष्प है ए, और यहाँ पर एक पुष्प है बी। अब गाइस,
जो हम लोगों का एक पुष्प ए है, एक पुष्प बी है। इस जो पुष्प का एंथर में पॉलन ग्रेन है, यह टोटली डेवलपमेंट हो गया है। और यह जो इस पुष्प के एंथर में हम लोगों का पॉलन ग्रेन है, यह अभी टोटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यह अभी टोटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम लोगों को क्या कराना है, इस पुष्प का जो इसमें एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, हम लोगों को इसके एंथर को इसके स्टिग्मा पर लेके जाना है, इसके वर्तिकाग्र पर लेके जाना है। तो गाइज हम लोगों का फिर से एक बार बता दें, जो इसमें इस एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, इस एंथर में जो पॉलन ग्रेन है, इसको हम लोगों को मनुष्यों द्वारा किसी माध्यम के द्वारा जो है इसके स्टिग्मा पर लेके जाना है, इसके स्टिग्मा पर लेके जाना है। तो अच्छा मान लीजिए यह भी नहीं परिपक्व हुआ है, यह भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये दोनों जब परिपक्व हो जाएंगे तो ये स्वयं में ही स्वपरागण कर लेंगे। तो गाइज इस प्रकार के प्रक्रिया में जो पुष्प होते हैं, इस पे हम लोगों को बराबर ध्यान देते रहना है, इसमें हम लोगों को पूरा फोकस करना है कि कब इसका स्टिग्मा परिपक्व होगा, कब इसका एंथर परिपक्व होगा। तो इसके लिए जब हम लोग देखते हैं कि जब यह परिपक्व होने वाला ही होता है, तो इसके जो पुंकेसर भाग होते हैं इतने को, जिसमें पराग तंतु, परागकोष, परागकण, पुंकेसर भाग इसे हम लोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग चिमटी की सहायता से, इसे जो सब पुंकेसर भाग हैं, इसे हम लोग चिमटी की सहायता से हटा देते हैं, इसे हम लोग चिमटी की सहायता से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, ताकि जो इसके परागकोष में पॉलन ग्रेन है वह इसके स्टिग्मा पर ना आने पाए। तो इसलिए हम लोग इसके जो इसका पुंकेसर भाग है इसको हटा देते हैं चिमटी की सहायता से, बहुत ही सावधानी पूर्वक हटाया जाता है। तो आइए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो यह हट गया, मान लीजिए यह जो पुंकेसर भाग था इसे हम लोगों ने हटा दिया चिमटी की सहायता से। आइए ये हट गया चिमटी की सहायता से। अब केवल यहाँ पे बचा स्टिग्मा, और यहाँ पे बचा ओहरी, और यहाँ पे बचा पुष्पासन। तो गाइस अब हम लोग इसके चारों तरफ बैगिंग, बोरा श्रवण की क्रिया कर देंगे, ताकि कोई और परागण इस पर ना आने पाए। और यह जो क्रिया करेंगे, जिससे इसे ढकेंगे, यह छिद्रनुमा होता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ताकि इसको ऑक्सीजन व प्रकाश मिलता रहे, ताकि इसको ऑक्सीजन व प्रकाश मिलता रहे। तो कृत्रिम परागण में स्टिग्मा को ढकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे हम लोग बोरा श्रवण या बैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैगिंग। गाइस अब हम लोग इसको बैगिंग कर दिए, तथा यह जो होता है यह बैगिंग, यह छिद्रनुमा होता है। यह कैसा होता है, छिद्रनुमा होता है, ताकि जो है इससे जो है ऑक्सीजन व प्रकाश स्टिग्मा पर पड़ता रहे। फिर जब कुछ दिन के निरीक्षण के दौरान देखते हैं, जब इसका जो ये स्टिग्मा है या टोटली डेवलपमेंट हो जाता है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन होता है, तो इसे एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा मान लीजिए यहाँ पर ये हम लोगों का पॉलन ग्रेन, यह मानव अपने हाथों में एक विशेष प्रकार के यंत्र के द्वारा परागकण को इस यंत्र पे ले लेता है, इसके पश्चात इसको ले जाकर के इसके स्टिग्मा पर रख देता है। जब स्टिग्मा परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ चिपचिपा कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें चिपचिपा कार्बनिक पदार्थ जो जल व शर्करा होता है। जब यह एक
केस और पूछता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब वर्तिकाग्र पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, कि हम लोग जान जाएंगे कि जो हम लोगों का स्टिग्मा है या टोटली डेवलपमेंट हो गया है। तो इसका यही लक्षण है कि गाइस यहाँ पर जो ये स्टिग्मा होता है, यहाँ पर कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे जल व शर्करा का स्रवण होने लगता है, जिसके कारण यहाँ पर चिपचिपा, जैसे यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाते हैं या चिपचिपा हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ एंथर से पालेन ग्रेन को लाएंगे, यहाँ पर जब इस पर रख देंगे तो यह जो चिपचिपा पदार्थ है इस पर परागकण जो हमारे हैं चिपक जाएंगे। परागकण जब चिपक जाएंगे तो इसमें कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद या कुछ घंटों के बाद निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तथा निषेचन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात जब हम लोग इसको लाते हैं तो यह जो हम लोग बैगिंग किए हैं इसको हटा देते हैं। जब यह परिपक्व हो जाता है तो जो हम लोग बैगिंग की क्रिया करे हैं इसे हटा देंगे, फिर यहाँ से एंथर से जो पालन ग्रेन को लाएंगे फिर इस पर डाल देंगे, फिर से इसको हम लोग बैगिंग कर देंगे, परागकण को डालने के बाद फिर से हम लोग बैगिंग कर देंगे। परागकण को डालने से पहले भी बैगिंग करे रहेंगे, इसके बाद जब परागकण को डाल देंगे फिर बैगिंग कर देंगे, ताकि इस पर कोई और दूसरा परागकण ना आने पाए, फिर इसके पश्चात जब धीरे धीरे निषेचन की क्रिया होती है, पालन ग्रेन से जो यहाँ पर पालन ट्यूब निकलता है, तो यह पालन ट्यूब धीरे धीरे वर्तिका से पोषण को प्रदान करते हुए यहाँ पर इसके ओव्यूल्स बीजाणु में आकर के निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। तो गाइस ये तो जब इस क्रिया हो जाती है तो इस प्रकार की क्रिया से प्राप्त सीड को, हम लोग उसका निरीक्षण कर लेते हैं कि इससे जो प्राप्त बीज है या स्वपरागण से प्राप्त बीज व परपरागण की क्रिया से प्राप्त बीज से किस प्रकार भिन्न है। तो गाइस यह हम लोगों का जो पूरा प्रक्रम है यह है कृत्रिम परागण का। एक बार हम लोग फिर से आप लोगों को समझा देते हैं कि गाइस पहले तो हम लोग दो पुष्प लेंगे, एक ए रहेगा एक बी रहेगा। इसका जो हम लोगों का जो इसका परागकण इसके स्टिग्मा पर लेके जाना है, इसका जो पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन है इसके स्टिग्मा पर लेके जाना है। तो पहले हम लोग इसके जो चारों तरफ ये पुंकेसर भाग रहेंगे पहले इस पर ध्यान देंगे, जब यह धीरे धीरे परिपक्व की अवस्था में आने लगेंगे तो हम लोग चिमटी की सहायता से इनको हटा देंगे। हटाने के पश्चात यह हट गया, अब यहाँ पे केवल पुष्पासन, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल बचा, इतना चीज बचा। तो फिर जब देखेंगे फिर इसको हम लोग बैगिंग कर देंगे ताकि कोई परागकण इस पर आकर निषेचन की क्रिया न करे। फिर इसके पश्चात जब हम लोग जब देख लेंगे कि यह परिपक्व हो गया है तो हम लोग जो यह बैगिंग किए हैं इसको खोल देंगे, फिर यहाँ से जो डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन है स्टिग्मा पर इसको स्थानांतरित कर देंगे। फिर इसके पश्चात फिर इसको हम लोग बैगिंग कर देंगे फिर से, ताकि कोई परागकण इस पर ना आने पाए। फिर जब ये इस पर आता है निषेचन की क्रिया पूर्ण करता है, यहाँ पर जब वर्तिकाग्र परिपक्व होता है इसके लक्षण होते हैं कि जो स्टिग्मा पर यहाँ पर जल व शर्करा जैसे पदार्थ का स्राव होने लगता है, तो पालन ग्रेन हमारा इस पर चपक जाता है, फिर पालन ग्रेन के बाहरी भाग में जो एक जाइन पार्ट होता है वह फूल जाता है, तथा जो इंटाइन भाग होता है वह जर्मपोर की सहायता से पराग नलिका का निर्माण करता है, फिर यह पराग नलिका इसका ओब्यूल्स में बीजाणु में जाकर निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। फिर निषेचन की क्रिया से प्राप्त बीज का हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं, या जो बीज है इसका निरीक्षण कर लेते हैं कि इसका कैसा इसका उत्पाद है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, इन सब के बारे में अध्ययन करने के पश्चात फिर जो है स्वपरागण व परपरागण के बीच से इसकी तुलना करते हैं। फिर यह हम लोगों का पूरा प्रोसेस हो गया है कृत्रिम परागण। गाइस यह एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछता है, एग्जाम की दृष्टि से मेन है। तो अब हम लोगों का कृत्रिम परागण हो गया। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, व चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वह जो आप लोगों का डाउट है उसे कमेंट करिए, जो प्रॉब्लम है कमेंट करिए, उसे आउट किया जाएगा। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।